आप देख रहे हैं वेस्टफिक्स बिल आखिर पाकिस्तान सुपर लीग के लीग स्टेज का मरहला अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला है, सिर्फ एक कदम दूर है। आज आखिरी मैच खेला जाएगा कराची किंग्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स एंड गदावरी स्टेडियम लाहौर। आज राइवल्स एक बार फिर अपने मुकाबले पे होंगे। इससे पहले भी दोनों टीमें सीजन में अपने आमने सामने आ चुकी हैं। वो मैच कराची किंग्स जीतने में कामयाब हुआ था। लाहौर कलंदर को सिर्फ दो शिकस्त हुई है सीजन में, एक शिकस्त उनकी कराची किंग्स के अगेंस्ट है। देन उसके बाद हम अगर दोनों टीमों का पॉइंट टेबल में देखें तो लाहौर तो टॉप पे है, 14 पॉइंट से उनके वो बिल्कुल क्वालिफाई कर चुके हैं, कोई अब टेंशन नहीं है। देन कराची किंग्स सबसे पहले एलिमिनेट हो चुका है। कराची के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल रही थ्रू आउट द सीजन। वो हम सीजन के बाद इंशाल्लाह डेप्थ एनालिसिस करेंगे कि क्या एक परेशानियां रही, क्या एक मसाइल रहे, क्यों कराची किंग्स ओवरकम नहीं कर पाया, बहुत ज्यादा फिनिशिंग लाइन के करीब आगे मैचेस आ रहे 2-3-6 रन से, तो क्यों इतना मैच क्लोज जाके कराची किंग्स ने लूज ऑन की है। स्पेशली चेसिंग करते हुए हारे मैच बहुत ज्यादा कराची वाले, पहले बैटिंग करते हुए फिर एक दो मैच जीत ही गए थे। लेकिन अब देखते हैं कल आज राइवलरी कैसी होती है, क्या बाबर इमाद वसीम की कराची किंग्स शाहीन शाह अफरीदी की लाहौर कलंदर को हरा पाएगी, क्या कराची के अफसरदा फैंस को जाते जाते कोई आखिरी खुशी की लहर नसीब होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह के बंदों में याद रखिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद।